नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। निकल गई हेकड़ी, पुलिस वैन में पत्नी के सामने रोता नजर आया शाहजहां शेख। बीजेपी ने कसा तंज, टीएमसी नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी के बाद हाव भाव बदल गए हैं। बशीरहाट सब डिविजनल कोर्ट जाने के बाद पुलिस वैन में बैठे हुए वह अपनी बेटी की पिताजी पुकार और अपनी पत्नी की चीख सुनकर अपना आंसू नहीं रोक सका। ईडी को शाहजहां शेख के हजारों बीघा जमीन के बारे में जानकारी मिली है। यह जमीन संदेश खाली के अलावा सरबेरिया सहित अन्य क्षेत्रों में है। ईडी को संदेश खाली कांड के मुख्य आरोपित और निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां की गिरफ्तारी के बाद हाव भाव बदल गए हैं। वह आक्रामकता अब खत्म हो गई है। बशीरहाट सब डिविजनल कोर्ट जाने के दौरान पुलिस वैन में बैठे हुए वह अपनी बेटी की पिताजी पुकार और अपनी पत्नी की चीख सुनकर अपना आंसू नहीं रोक सका। वह पुलिस वैन की खिड़की से अपनी बीवी की उंगली छूकर रोया। उसने अपना चेहरा घुमाया और अपनी उंगली से अपने आंसू पोंछे। इसके बाद उसने अपने चेहरे पर रुमाल रख लिया। शाहजहां शेख के रोते हुए इस वीडियो पर बीजेपी नेता और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तंज कसा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, स्वैग गायब हो गया है। ममता बनर्जी का पोस्टर बॉय यौन उत्पीड़न करने वाला शेख शाहजहां एक नादान बच्चे की तरह रो रहा है। जब कानून शिकंजे में आएगा तो उसे बचाने कोई नहीं आएगा, यहाँ तक कि ममता बनर्जी भी नहीं। वह अपने मंत्रियों को भी नहीं बचा सकी। वक्त का पहिया चल रहा है। ईडी के पास शाहजहां की हजारों बीघा जमीन की मिली जानकारी। ईडी को शाहजहां शेख के हजारों बीघा जमीन के बारे में जानकारी मिली है। यह जमीन संदेश खाली के अलावा सरबेरिया धामाखली सहित अन्य क्षेत्रों में है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।